HTML क्या होता है? दोस्तों HTML अगर आप ये इंटरनेट वगैरह यूज करते हैं तो आपने कभी कभार नाम तो जरूर सुना होगा। कई बार हमको अपने URL में जो ब्राउजर टाइटल होता है वहां पर HTML कई बार हमको ये चार लेटर्स देखने में मिल जाते हैं। आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि HTML होता क्या है। देखते रहिए इस वीडियो को आगे। मेरा नाम है हुसैन, आप देख रहे हैं जवाबी बाबा चैनल। आइए शुरू करते हैं। अगर HTML की फुल फॉर्म की बात करूं तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये आप आसानी से नेट पर देख सकते हैं, इससे कुछ समझ में नहीं आता। समझने के लिए सिंपल भाषा में इट्स अ वेब राइटिंग लैंग्वेज। HTML एक ऐसी लैंग्वेज है जिसका इस्तेमाल करके वेब पेजेस लिखे जाते हैं, वेब पेजेस को राइट किया जाता है, बिल्ड किया जाता है। ज्यादातर ऑलमोस्ट सारी वेबसाइट्स जो कि हम यूज करते हैं अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में, उनमें HTML का यूज होता है। HTML जो भी आप वेब पेज देखते हैं, HTML को यूज करके ये डिसाइड किया जाता है कि वो जो भी कंटेंट है वो रेंडर कैसे होगा। जैसे कि मान लीजिए एक वेबसाइट है मान लीजिए www.myself.com, उसमें आपने अपने बारे में इंफॉर्मेशन लिखी है कि माय नेम इज हुसैन, आई वर्क हेयर, आई वेक अप एट दिस टाइम, आई स्लीप एट दिस टाइम, ऐसे आपने एक इंफॉर्मेशन लिखी है। तो ये इंफॉर्मेशन आप कैसे लिखेंगे? आप HTML टैग्स के अंदर लिखते हैं ये इंफॉर्मेशन। और ये जो आप लिखते हैं ये HTML टैग्स तो यूजर को नहीं दिखते हैं, लेकिन जो भी आपने इन टैग्स के अंदर इंफॉर्मेशन लिखी है वो यूजर को दिखती है। तो आप आज की डेट में जो भी वेबसाइट यूज कर रहे हैं वो ज्यादातर HTML टैग्स में ही लिखी हुई वेबसाइट होती है। ये जो HTML के जो टैग्स होते हैं, टैग का मतलब आप अंदाजन कैटेगरी कह लो। सो HTML में मान लो एक वेब पेज लिखा था, उस वेब पेज के कुछ पार्ट्स हो सकते हैं, कुछ सेक्शन हो सकते हैं। एक टॉप का सेक्शन जिसको कि हेडर कहा जाता है, फिर एक मेन बॉडी, फिर एक एंड, तो एक फिर एक पैराग्राफ। तो ये सारे के सारे टैग्स के अंदर फिर जो भी आप इंफॉर्मेशन डालते हो वो उसी स्ट्रक्चर के हिसाब से यूजर को दिखाई देती है। तो नेट HTML क्या है? HTML इज अ लैंग्वेज यूज टू राइट वेब पेजेस, सिंपल। तो ये था आज का वीडियो HTML के बारे में। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर पसंद आया तो फिर लाइक भी कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए, क्योंकि मैं इस तरीके के नॉलेज वाले वीडियोस बनाता रहता हूँ। मुलाकात होगी अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। शुक्रिया।